कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अहमदाबाद में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय पर हमले के बाद राहुल गांधी ने गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं। इस दौरान परिवार के लोगों ने राहुल गांधी को अपनी समस्याओं के बारे में बताया, तो वहीं कुछ परिवारजनों ने राहुल गांधी को एक तस्वीर भेंट की। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में अयोध्या में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हराया है, वैसे ही हम गुजरात में बीजेपी को हराएंगे। आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी ना? आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको, आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी।